मुंबई पर कोरोना संक्रमण निसर्ग तूफान के बाद अब बारिश की मार, पूरी मुंबई में परेशानी बनकर बरसा पानी। मुंबई के किंग्स सर्किल में पानी में डूबे गाड़ियों के चक्के, जगह जगह जल भरा। मुंबई के सायन इलाके में 24 घंटे की बरसात से इलाका बना तालाब, घुटने तक पानी में लोग जाने को मजबूर। पालघर कांदीवली में भी बरसात ने बिगाड़े हालात, रास्तों पर जल भरा। कुर्ला में जल भराव ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, माहिम में भी तेज बरसात से बिगड़े हालात। मुंबई के प्रतीक्षा नगर और गांधी मार्केट पे घुटने तक भरा पानी, गाड़ियों के चक्के डूबे। मुंबई के कालानगर में बारिश के साथ जाम ने लोगों को किया परेशान, इलाके में जल भरा। घाटकोपर में जोरदार बरसात ने लगाई लोगों की मुसीबत बढ़ाई, जगह जगह जमा हुआ पानी। मुंबई में 24 घंटे में 50 मिलीमीटर की बरसात, समंदर से आज हाई टाइड, समंदर किनारे जाने पर रोक। निसर्ग तूफान ने मुंबई में जड़ से उखाड़े सैकड़ों दरख्त, बारिश की वजह से अब तक नहीं उठाए जा सके हैं गिरे हुए पेड़। दिल्ली बॉर्डर सील करने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हरियाणा और यूपी के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन की एक नीति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनसीआर क्षेत्र के लिए एक कॉमन पास जारी करे राज्य, एक हफ्ते के भीतर बने नीति। विवाद पर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, हम बॉर्डर बंद करने के पक्ष में नहीं। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम ने कहा कोरोना काल में पाबंदी जरूरी, लेकिन तीनों राज्य एक साथ आकर रास्ता निकाले। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने सांसद कोटे से मिलने वाले हवाई टिकट के जरिए 33 मजदूरों को पटना पहुंचाया, चार्टर फ्लाइट के जरिए भी घर पहुंचाए गए कई मजदूर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना सरकारी विमान स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किया, कोरोना से संबंधित उपकरण और दवाएं मंगवाने में होगा इस्तेमाल। सीएम योगी का विमान मशीनों की खेप लेने 9 जून को जाएगा गोवा, इसी प्लेन से पहले भी 2 बार मंगवाई जा चुकी है मशीनरी। सीएम योगी ने आज कई योजनाओं के तहत बांटी पेंशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेंशनर्स से बात की। योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ की बैठक, कोरोना से निपटने की रणनीति और जांच का दायरा बढ़ाने पर चर्चा। यूपी में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग की हुई जांच, 31 लैब में रोजाना 10,000 सैंपल की टेस्टिंग। यूपी में अब तक कोरोना के 8,729 मामले, 229 गवा चुके हैं जान। यूपी में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो चुकी है स्क्रीनिंग। योगी सरकार का दावा, क्वारंटीन सेंटर्स में 15 लाख लोगों की रोकने का इंतजाम। नोएडा में कोरोना के मामले 500 के पार, बीते 24 घंटे में सामने आए 25 नए मरीज, अब तक 8 की मौत। नोएडा में थाने के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। यूपी के अंबेडकर नगर में थानेदार की विदाई समारोह में जुलूस निकालने पर नपे थानेदार, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने का आरोप। अमेठी में जारी है सियासी वॉर, पोस्टर के जरिए गन्ना मंत्री की ओर से लगवाए गए पोस्टर पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। मिर्जापुर में मकान में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, मंत्री के निरीक्षण की दौरान लगाए नारे। अलीगढ़ में खुले में फेंका गया मीट फैक्ट्री का मलबा, बदबू और संक्रमण से कई बीमार। सहारनपुर में भुगतान की लेट लतीफी से गन्ना किसान परेशान, डीएम से लगाई गुहार। कोरोना से देश भर में पिछले 24 घंटे में 260 की मौत, 6,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले 2,16,000 से पार, 24 घंटे में 9,304 नए मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 1,513 मामले, 606 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 74,860, 24 घंटे में सामने आए 2,500 से ज्यादा मरीज। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 49 लोगों की मौत, कोरोना संक्रमण के मामले 43,492। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर कोरोना टेस्ट में ढिलाई का आरोप लगाया, कहा हर रोज मरने वालों की बढ़ रही है तादाद। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। समुद्र सेतु अभियान के तहत मालदीव से लाए जा रहे हैं 700 भारतीय, तूतीकोरिन के तट पर पहुंचेगा नौसेना का जहाज। भारत चीन विवाद के बीच लद्दाख में एलएसी पर बड़ी सेना की हलचल, बोफोर्स तोप की तैनाती। अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण, हर हालात से निपटने को सेना तैयार। केरल में हथिनी की मौत पर भड़की मेनका गांधी, राहुल गांधी को दी नसीहत, कहा पूरे देश के बजाय अपने इलाके को देखें। राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा के दौरान उद्योगपति राजीव बजाज का सनसनीखेज बयान, कहा मुझे राहुल से बात नहीं करने की दी गई थी नसीहत। यूपी में लखनऊ और कानपुर के बीच बनेगी फिल्म सिटी, यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन के मुताबिक 25% सब्सिडी पर दी जा सकती है जमीन। उज्जैन में बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद काबू। इंदौर में रूई गोदाम में लगी भीषण आग, बारिश के बीच उठती रही लपटें। मध्य प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, दूसरे राज्यों में कृषि उत्पाद लाने जाने की इजाजत। मध्य प्रदेश में 8,588 तक पहुंचा कोरोना का मामला, 371 की मौत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, काफी हद तक कोरोना पर पाया गया काबू।
भोपाल में मंडियों में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल अनाज भीगा, बारिश से बचाने का नहीं है इंतजाम। मध्य प्रदेश में फसल खरीदी में देरी से किसान परेशान, विपक्ष ने शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। हरियाणा के फतेहाबाद में अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से महिला फरार, कोरोना सैंपल लिए जाने से पहले ही खिड़की से कूद कर भागी। फतेहाबाद में बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 18 लोगों के चालान कटे। हरियाणा के सिरसा में दो महिलाओं समेत 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, अभी तक शिनाख्त नहीं। गुरुग्राम में सरपंच और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम को बंधक बनाकर पीटा, गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की। हरियाणा के फतेहाबाद में एक गांव में मिला जिंदा ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ते ने खेतों में किया डिफ्यूज। होशियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री की मौजूदगी में ताक पर रखी गई सोशल डिस्टेंसिंग, मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने की उमड़ी भीड़। लुधियाना में लॉकडाउन के दौरान मनाही के बावजूद खोला गया स्कूल, प्रबंधकों के खिलाफ केस दर्ज। पटियाला में स्कूल फीस की सियासत में अकाली दल ने बच्चों को खतरे में डाला, स्कूली छात्रों को लेकर शिक्षा मंत्री के घर पर प्रदर्शन। बरनाला में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन, करीब 2500 लोगों के चालान कटे। पंजाब के मोगा में बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में घिरे कांग्रेसी नेता, तूल पकड़ने पर खुद कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी से तोड़ा नाता, राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी से नाराजगी की अटकलें। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी उठापटक, दो विधायकों ने सौंपा इस्तीफा। गुजरात के दाहोद में मनरेगा के तहत मिला रिकॉर्ड तोड़ काम, डीडीओ ने कहा एक दिन में काम पाने वाले मजदूरों की संख्या 33,000 के पार। गुजरात में कोरोना के मामले 18,000 के पार, 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ में कोरोना टेस्टिंग में गड़बड़ झाले का खुलासा, सैंपल नहीं देने के बावजूद 3 युवकों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा बढ़ी, आने जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी। राजस्थान में कोरोना के मामले पहुंचे 10,000 के करीब, राज्य में अब तक 209 लोगों की मौत। भरतपुर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना ग्राफ, बीते 24 घंटे में 109 नए मामले। भीलवाड़ा में मनमाने बिजली बिलों से परेशान लोगों का अजीबोगरीब विरोध, शरीर से खून निकालकर बिजली अधिकारियों को पीने को कहा। कोटा टाइगर रिजर्व में बाघ के 2 शावकों का जन्म, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर स्वागत किया। वाराणसी में बीती रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों मेहरबान रहेंगे बादल। कर्नाटक के हुबली में जमकर बरसे बादल, पहली प्री मॉनसून बारिश से शहर हुआ तर। इंदौर में सुबह से छाए हैं बादल, तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बरसात। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि से गिरा तापमान। मध्यप्रदेश के कई जिलों में बीती रात से हो रही है बारिश, पश्चिम तट से टकराया निसर्ग तूफान का असर। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में भी भारी बारिश, मंडी में खुले में रखा अनाज बर्बाद। मध्यप्रदेश के सीधी में भी बीती रात से भारी बारिश, सैकड़ों बोरे धन भीग कर बर्बाद। प्रयागराज में सुबह से जारी है बारिश का दौर, उमस वाली गर्मी से लोगों को राहत। यूपी के शाहजहांपुर में तेज बारिश, खुले में रखे गेहूं की फसल भीगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों ने बढ़ाया सिरदर्द, भगाने के बावजूद बार बार हमला कर रहे हैं झुंड में। मध्य प्रदेश के सतना में टिड्डियों का फसलों पर 5वीं बार हमला, केमिकल का किया छिड़काव। शिवपुरी में 4थी बार पहुंचा टिड्डियों का झुंड, थाली बजाकर भगाने की कोशिश। कटनी भी पहुंचा टिड्डियों का बड़ा झुंड, शहडोल के बाद पड़ोसी जिलों को भी बनाया जा रहा है निशाना।